जय स्वामीनाथ। विद्यार्थी मित्रों, हम आज कक्षा एक के अंदर हम भी बने महान, इसके अंदर हमने कर्तव्य नियम सबके लिए देख लिया था। आज सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता का अभ्यास करेंगे। सफलता यह दो का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सफलता का महत्व रहस्य जो है उसको हम देखेंगे। तो अंडर 14 क्रिकेट टीम की बात बताई गई है। कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5-स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह होते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार नाश्ते के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई थी पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ में गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो वह दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। 7 खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर भी संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। देखो उसका अभ्यास हो क्रिकेट के प्रति उसका लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी खिलाड़ी दम रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसने कदम चूमने लगे। देखो विद्यार्थी मित्रों कि हम सफलता का रहस्य क्या है कि हमें हमेशा उसका रिविजन करते रहना चाहिए। आप भी पढ़ाई करते हो तो आप हमेशा रिविजन करते रहोगे, आप हमेशा सफलता प्राप्त करोगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उसे उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूं, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, उसके बाद मैच के बाद मूल्यांकन करता हूं सुधार आवश्यकता के रूप में। तो विद्यार्थी मित्रों यह लड़का तो और नहीं क्रिकेट की दुनिया में सफलता प्राप्त करने वाला, कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। विद्यार्थी मित्रों हमें भी सफलता के लिए ऐसे परिश्रम करते रहोगे आप तो आपको भी सफलता प्राप्त होती है, होगी ही। उसके बाद हम प्रामाणिकता को देखेंगे। एक दिन बजरंग अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। उन्होंने थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए, जरूरी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई, हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। तो सरदार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से प्रश्न पूछा। हजरत अली बोले, देखो भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। देखो अब निजी काम शुरू कर रहा हूं
इसलिए मैंने अपनी पत्नी जला ली है, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। विद्यार्थी को यह देखिए उनकी प्रामाणिकता कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी भी प्रामाणिकता होनी चाहिए, वह प्रामाणिक ही होना चाहिए। चोरी हरामखोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमारे गुरुओं ने कहा है, माँ क्रुद्ध कश्च सिद्ध धनम, किसी के धन मान की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए बड़ी सीख है। विद्यार्थी मित्रों, हमें भी ऐसे प्रामाणिक भी होना चाहिए। इसके शब्दार्थ मैंने कहा हूँ या लिखकर इसका संध्या दे देना। शब्दार्थ है नुकसान तो हानि, उसके बाद आगे सदस्य तो सभासद, उसके बाद अल्पाहार, उसके बाद पुरखा, पुरखा तो पूर्वज, तो इसका स्वाध्याय आप अपने शब्दों में अच्छी तरह लिख देना। और यह जो मैंने आपको सिखाया महान बनने के लिए जो, यह भी आप जीवन में उतारिए और जीवन में सफलता के लिए, सफलता का जो रहस्य है पुनरावर्तन कीजिए। साथ ही साथ दूसरी चीज प्रामाणिकता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, तो इसको भी अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर पूरा होता है। सहजानंद स्वामी महाराज ने जय।